हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन द नाइन्थ लेक्चर सीरीज ऑफ ग्रामर सेक्शन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो ग्रामर के सेक्शंस को लेकर के डे वाइज जो हमने एक चैप्टर टर्म को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, आज उसकी नाइन्थ लेक्चर है। और इस नाइन्थ लेक्चर में आज मैं न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एडजेक्टिव। मैंने नाउन एंड प्रोनाउन पूरी तरह से क्लियर किया और कुछ चीजें उसमें भी है तो एक अलग स्पेशल वीडियोस लेकर के हम लोग उसमें और जो चीजें रह गई है वो क्लियर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव के सेशन को। आपको इतना बात पता है कि हमने जो सेक्शन स्टार्ट किया है स्टार्टिंग विद फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच नाउन एंड द नेक्स्ट इज प्रोनाउन, और अब हम लोग इस सेक्शंस को रीड आउट करेंगे। तो बात रह गया कि ये सर नाउन एंड प्रोनाउन हमने पढ़ा। नाउन एंड प्रोनाउन का मॉडिफिकेशन ही एडजेक्टिव है। नाउन एंड प्रोनाउन की जो मॉडिफिकेशन है वही एडजेक्टिव है। यानी एडजेक्टिव किसको इंफॉर्मेशन देता है या किसको मॉडिफाई एंड क्वालिफाई करता है, तो आपको इतना बात पता चल गया कि एडजेक्टिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। अगर बात करें इसके बाद की चैप्टर को का, तो वर्ब एंड एडवर्ब को लेंगे हम लोग एक ही सेक्शन में। तो वर्ब एंड एडवर्ब को क्या है कि एक्चुअली एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता, एंड एडवर्ब खुद अपने आप को भी मॉडिफाई करता। तो ये बात समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब की जिम्मेदारी है इन दोनों सेक्शन एंड खुद को मॉडिफाई करने का, बट आप अगर एडजेक्टिव की बात करें तो ये मॉडिफायर है, ये क्वालिफायर है। किसका किसका? तो नाउन एंड प्रोनाउन का। बात समझ में आ गया? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल को ताकि ये इसका जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो सके। आइए इसकी पहली एग्जाम्पल से ही हम लोग डेफिनेशन क्रिएट करेंगे ताकि नॉर्मल वे में हम इसे समझ सके। He is handsome. And the next example is he is a handsome man. तो इस बात से क्लियर हो रहा है कि आपने जो हैंडसम वर्ड रखा एंड हैंडसम दो जगह एक ही शब्द का प्रयोग है, बट ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किस एंगल से? अगर ये ही का प्लेसमेंट चेंज करके आप ऐसे लिख दो कि रोहित इज हैंडसम, रोहित हैंडसम है, तो रोहित अपनी ग्रामेटिकल प्रोफाइल में क्या है? रोहित अपनी ग्रामेटिकल प्रोफाइल में कौन सी सेक्शंस को लेकर के आता है? दैट इज द नाउन। एंड बात करें ही का, तो ये इसी का रिप्लेसमेंट है। नाउन का रिप्लेसमेंट क्या कहलाता? नाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन कहलाता है। तो अब रोहित जो है वो हैंडसम है एंड ही इज अ हैंडसम मैन। बात करें कि इस मैन को हम लोग नाउन की कैटेगरी में रखेंगे और इस नाउन से पहले एक टर्म आया हैंडसम, ये कौन सा टर्म कहलाएगा? एडजेक्टिव। सिंपल बात ये समझ लीजिए कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसको किसको मॉडिफाई करता? नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। आई आप ये देख पा रहे हो कि सेंटेंस का एंडिंग हो गया है हैंडसम से, और ये किसकी क्वालिटी है? नाउन की। तो हैंडसम जो है वो ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? एडजेक्टिव है। समझते हैं इस बात को? फिर से लिखा ही इज अ हैंडसम मैन, यहां भी हैंडसम एडजेक्टिव है, बट मैटर ये है कि आप एक बार नाउन के मॉडिफिकेशन में लाएं, एक बार प्रोनाउन के मॉडिफिकेशन में लाएं, या फिर नाउन के भी मॉडिफिकेशन में है ये टर्म। तो आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस का एंडिंग बिना नाउन का है और इस सेंटेंस का एंडिंग नाउन से है। यानी हैंडसम के बाद आपने नाउन रखा, यहां हैंडसम के बाद नाउन नहीं रखा। तब ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो एडजेक्टिव को दो तरीके से लिखा जाता है, एक एट्रीब्यूटिवली एंड एक प्रेडिकेटिवली। इट मींस व्हाट? कि एडजेक्टिव का प्लेसमेंट आप एट्रीब्यूटिवली रख सकते हैं एंड प्रेडिकेटिवली रख सकते हैं। मींस
एक बार नाउन से पहले रखेंगे तो दैट इज एट्रीब्यूटिवली, जब नाउन नहीं होगा सेंटेंस का एंड ही एडजेक्टिव से होगा, या फिर नाउन की प्लेसमेंट एडजेक्टिव के तुरंत बाद नहीं होगी तो वो कहलाएगा प्रिडिकेटिवली। इट मींस प्रिडिक्टिव यूज एंड एट्रीब्यूटिव यूज। गॉट द पॉइंट? नाउन से पहले एडजेक्टिव का रखना एट्रीब्यूटिव कहलाता, बिना नाउन का रखना यानी सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन हो सकता है, एंडिंग में कोई एडजेक्टिव का रख देना वो प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। तो शायद ये एग्जांपल से समझ में आ गया कि एडजेक्टिव होता क्या है, तो नाउन एंड प्रोनाउन का मॉडिफायर। अब हमें सिंपल एक डेफिनेशन लिख लेंगे, क्लियर है? आइए इसकी एक परिभाषा लिख करके आगे बढ़ते हैं। An adjective is a word which qualifies either a noun or a pronoun. Got the point? कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसको किसको मॉडिफाई करता, नाउन को या फिर प्रोनाउन को। बस समझना है, अटेंशन देना है, कोई टफ सेक्शन नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, रोहित इज इंडस्ट्रियस। मैंने एक एग्जांपल लिखा, रोहित इज इंडस्ट्रियस, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। सिंपल बात समझ में आ रहा होगा आपको। या तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, ही इज वाइज, वह बुद्धिमान भी है, नो प्रॉब्लम। समझिए इस बात को, रोहित इज इंडस्ट्रियस। रोहित कैसा है? तो इंडस्ट्रियस है, यानी काफी मेहनती, मेहनत करने वाला इंसान है, मेहनती है, लेबोरियस है। इसके बाद मैंने लिखा, ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। आप इस बात को क्लियर समझ पा रहे होंगे कि स्टूडेंट किसी का स्टेटस की बात हो रही है ना, टीचर स्टूडेंट ये नाउन ही है। व्हाट से क्वेश्चन कर पा रहे, इट मींस वो नाउन है, कौन है, क्या है, बात समझ में आ रहा है? तो आप देख पा रहे हो ये नाउन का प्रोफाइल है, एंड नाउन से पहले एक ऐसा शब्द जो मॉडिफायर है वो एडजेक्टिव है। तो ये क्लियर हो गया। एंड ही इज वाइज, ही इसी नाउन का रिप्लेसमेंट है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। एंड प्रोनाउन का मॉडिफायर क्या होता, एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? इस तरह से हमने परिभाषा और एग्जाम्पल क्लियर कर दिया। आइए अब इसके रूल को देखते हैं कि सिंपली अब आप ये बता दो, यहां पे जो नाउन का यूसेज है वो कैसा यूज है? अगर आप इसे देख पा रहे होंगे तो इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। इट मींस प्रेडिकेटिवली यूज। अब यहां देख पा रहे होंगे एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन की प्लेसमेंट है, तो इसे कैसा यूज बोलेंगे? दैट इज द एट्रीब्यूटिव यूज। तो ये चूंकि इंट्रो सेक्शन है तो डेफिनेशन में थोड़ी टाइम लग ही जाता है। अब स्टार्ट करते हैं रूल नंबर वन। क्लियर हो गई ये सारी बातें? चलिए मिटा रहा हूं अब इसे मैं। रूल नंबर वन है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको एट्रीब्यूटिवली यूज कर सकते हैं या प्रेडिकेटिवली। तो रूल नंबर वन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि रूल नंबर वन में मैंने लिखा कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड प्रेडिकेटिवली। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका यूसेज प्रेडिकेटिवली होता है। तो कुछ वर्ड्स मैंने लिख चुका है, सर्टेन, ग्लैड, असैम्ड, है ना, एबल, अफ्रेड, अस्लीप, लाइफ, अवेक। इन शब्दों का जो आप प्रयोग देख रहे हैं ये प्रेडिकेटिवली होता है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखेंगे, सी रिमेंड अवेक होल नाइट, वह पूरी रात जगी रही। सी रिमेंड अवेक, तो देख पे आ रहा है कि अवेक शब्द का प्रयोग जो है ना वो नाउन के मॉडिफिकेशन में नहीं आया, सी के मॉडिफिकेशन में आया कि पूरी रात जगी रही वो, यानी अवेक जो है वो कैसा यूसेज है, प्रेडिकेटिवली। क्लियर है? इस तरह से एग्जाम्पल नंबर टू अगर देखेंगे तो लास्ट में हु वॉज एस्लीप के बाद कोई नाउन नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं कि उस सेंटेंस में भी एस्लीप का प्रयोग प्रेडिकेटिवली हुआ है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर थ्री देखेंगे, आई शॉ हर, सी वॉज अलाइव,
अलाइव शब्द लास्ट में है, उसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है, यानी प्रेडिकेटिवली है। एग्जाम्पल नंबर 4, सी हैज बीन इल सिंस मंडे। आप उसकी स्टेटस बता रहे हैं कि वह मंडे से बीमार है। सी हैज बीन इल, इल के बाद कोई ऐसा नाउन का प्लेसमेंट नहीं है जिससे उसका मॉडिफिकेशन हो, तो क्लियर हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 अगर देखेंगे तो आई वॉज ग्लैड टू नो अबाउट माई फ्रेंड सक्सेस, अबाउट माई फ्रेंड सक्सेस। क्लियर है? तो इस तरह से ग्लैड भी एक प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर रिलायबल पर्सन। कैसे पर्सन है? तो रिलायबल है, विश्वसनीय है, तो रिलायबल के बाद आपने पर्सन रखा है। एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए, तो पर्सन नाउन हो गया और नाउन से पहले रिलायबल आपने रखा, तो एक्चुअली ये कैसा यूसेज हो गया? ये हो गया आपका एट्रीब्यूटिवली। क्लियर है? एक मैंने एग्जाम्पल एट्रीब्यूटिव का रखा। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज कंपनी नीड्स स्किलफुल वर्कर्स, कंपनी नीड्स स्किलफुल वर्कर्स। वर्कर्स क्या हो गया? वर्कर्स आपका नाउन, उसके पहले आपने स्किलफुल रखा, ये एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। इट मींस एट्रीब्यूटिव वैसा यूज होता है जिसके साथ आप नाउन को, एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखते हैं तो एट्रीब्यूटिव, और बिना नाउन का यानी किसी सब्जेक्ट के ही मॉडिफायर के रूप में अगर आप रखते हैं तो दैट इज द प्रेडिकेटिवली। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स का जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर बाद बाकी और सारे डिग्रीज और रूल्स करते रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज उसी एडजेक्टिव के, कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिनका आप लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि इनके यूसेज कंपैरिजन में कैसे होता है और इनका सेंस क्या है। तो उसी सिलसिले में पहला जो टर्म है हम लोग पढ़ेंगे सम एंड एनी का केस, सम एंड एनी का केस को हम लोग देखेंगे। ठीक है? सम और एनी, सिंपल सा बात है, आपके स्क्रीन पे ये रूल लिखा हुआ है, मैं इसका जिस्ट समझाता हूं। सम जो यूसेज है ना, ये एक ऐसा नाउन के साथ आता, यानी नाउन इसके सिंगुलर भी होंगे एज वेल एज प्लूरल भी होगा, ये आपके स्क्रीन पर रूल लिखा हुआ है। एनी का यूसेज जो होता है, और ये सेंटेंस एक जान लेंगे कि सम का जो यूज है नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन सेंटेंस जो होगा दैट इज द एफर्मेटिव, एफर्मेटिव भी हो सकती है और इंटरोगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आया? बट इसी तरह से अगर आप एनी के यूसेज को समझें तो एनी जो है वो आप इसे नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो आपके स्क्रीन पर ये बातें लिखी हुई है रूल्स में, आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि सम का पॉजिटिव, एनी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, यानी एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, सी डिड नॉट गिव मी एनी इंट्रो, सी डिड नॉट गिव मी एनी मनी, उसने मुझे एक भी रुपये नहीं दी। तो she did not give me any money, मतलब सेंटेंस नेगेटिव और उसके जगह पे आप एनी लगाएंगे या सम, तो एनी लगाएंगे, इस क्वेश्चन में एनी है इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव सम फ्रेंड्स इन पटना, आई हैव सम फ्रेंड्स इन पटना। ऑब्वियसली फ्रेंड्स काउंटेबल होगा, और दूसरी बात सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप वहां पे क्या लेंगे? करेक्ट, सम लेंगे, यानी सेंटेंस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू हैव एनी ऑब्लिक सम मनी टू गिव मी या टू गिव देम, तो सेंटेंस को देखेंगे आप क्या ले सकते हैं। इंट्रोगेटिव पार्ट में सम भी ले सकते हैं और इंट्रोगेटिव पार्ट में एनी भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको यह समझना है कि डिपेंड करेगा कैसे आप सिचुएशन को बोल रहे हैं, सेंटेंस को कैसे बोल रहे हैं। डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव सम मनी, दोनों का सेंस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक थोड़ी पॉजिटिवनेस के साथ है और दूसरा जो है वो थोड़ी नेगेटिव, इन द सेंस ऑफ नेगेटिव है। कैसा? तो डू यू हैव एनी मनी, इट मींस हो गया कि क्या आपके पास थोड़ा भी पैसा है, एक भी रुपए है, और इफ यू से डू यू हैव सम मनी, क्या कुछ पैसे हैं, तो इसमें थोड़ी पॉजिटिवनेस झलकती है। क्लियर है? इस तरह से आज का क्लास यही समाप्त करते हैं हम लोग, क्योंकि आज हमने शुरुआत की और सारे रूल्स नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।